देश की राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का समापन हो चुका है और काफ़ी सफल समापन इसे देखा गया। लेकिन इस G20 के शिखर सम्मेलन के समापन के बाद अब एक बार फिर से विपक्षी दल को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। विपक्षी दल के नेता अब परेशान एक बार फिर से दिखाई दे रहे हैं। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले विपक्षी दल के नेताओं ने मिलकर एक नया घटक दल बनाया था जिसे इंडिया नाम दिया गया था और ये इंडिया दल लगातार अब सरकार की एक एक कामों को लेकर इसकी विवेचना या फिर इसके खिलाफत में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए, आप सबको पता है कि जब G20 शिखर सम्मेलन का आगाज़ हुआ तो देश भर के अलग अलग नेताओं को, चाहे वो विपक्ष में ही क्यों ना हो, उन सबको खाने के लिए बुलाया गया था रात के डिनर पर। तो सभी लोग लगभग वहाँ पर पहुँचे और इसमें कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इसमें नहीं बुलाया जाना, सोनिया गांधी को नहीं बुलाना, कहीं ना कहीं ये अपमानित करना है। और इसके बाद अपनी नाराज़गी कांग्रेस के कार्यकर्ता, समर्थक और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता दिखाते हुए दिखाई दिए। लेकिन इन सब में देखा गया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की जो संयोजक हैं ममता बनर्जी, उन्हें भी इस डिनर पार्टी में बुलाया गया था और वो बाकायदा पहुँची थी। और उनके पहुँचने के बाद अब विपक्षी दल के नेता लगातार ममता बनर्जी पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आखिर ममता बनर्जी को वहाँ पर जाने की ज़रूरत क्या थी, जबकि ममता बनर्जी इंडिया घटक दल का एक हिस्सा है। अब देखिए, ये मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ रहा है तो अब तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी सफाई दी गई है। उन्होंने ये कहा है, ममता बनर्जी की पार्टी के प्रवक्ता ने ट्वीट करके, कि ममता बनर्जी को वहाँ पर बुलाया गया था, ममता बनर्जी गई और ममता बनर्जी को ये बात मालूम है कि वो क्या कर रही हैं, कहाँ जा रही हैं। इन सब बातों की माने तो आने वाले समय में इस बात का भी इशारा ये सारे बातें करती हैं कि हो ना हो, जिस तरह से इंडिया घटक दल के नेताओं में आज यूँ हाथों में हाथ मिलाकर लोग इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ खड़े होते दिखाई देते हैं, तो इस डिनर पार्टी में शामिल होने के बाद हो सकता है कि कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, जो कि वरिष्ठ नेता कहे जाते हैं, उन्हें इस बात का डर हो कि आने वाले समय में इंडिया घटक दल में टूट की खबरें भी देखी जा सकती हैं। फिलहाल एक और बात निकलकर सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कहा है कि अगर ममता बनर्जी इस इंडिया घट माफ़ कीजिएगा इस G20 बैठक में डिनर में शामिल नहीं होती तो ना तो महाभारत हो जाता, ना ही कुरान पवित्र हो जाता और ना ही रामायण। तमाम ऐसी बातें उन्होंने कही हैं जो शायद एक तरह से विवादित बातें हो सकती हैं। लेकिन इन सब बातों का जिक्र जो निकल कर सामने आ रहा है उसे देखकर तो यही अभी समझा जा रहा है कि इस G20 के सफल समागम के बाद या सफल समापन के बाद अब कांग्रेस के अंदर या फिर इंडिया घटक दल के अंदर एक बार फिर से बौखलाहट देखने को मिल रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बातें देखी जा रही थी और कहा जा रहा था कि जो G20 शिखर सम्मेलन है इससे देश का क्या फ़ायदा होगा और ऐसे आरोप लगते रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा, सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि 8, 9 और 10 इन 3 दिनों में जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में जो व्यवस्था की गई थी और जिन जिन देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर पहुँचे थे और जो जो कार्यक्रम यहाँ पर देखने को मिले, G20 के बाद क्या फ़ायदा उन्हें अब महसूस हो रहा है। हालांकि इसके बाद किसी भी विपक्ष के नेता का कोई बयान अब निकल कर सामने नहीं आ रहा है। शायद इस G20 शिखर सम्मेलन के बाद विपक्ष का मुँह अगर कहें बंद हो चुका है तो शायद ये गलत नहीं होगा। फिलहाल आपका ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी के बीच में जो जुबानी जंग चल रहा है इसको लेकर क्या कहना है, अपने विचार नीचे ज़रूर रखिएगा। क्या ममता बनर्जी ने G20 शिखर सम्मेलन के डिनर में जो उन्हें बुलाया गया था उसमें शामिल होकर उन्होंने कोई गुनाह किया, क्या उन्हें शामिल नहीं होना चाहिए था, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हें इसमें नहीं बुलाया गया, क्या वो गलत था या सही था, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए OTT इंडिया। नमस्कार।